नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी प्रखंड अंतर्गत थाना जानकी नगर, और जानकी नगर में ये चकमका बाजार है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराजगंज एक पंचायत जहाँ की किसी भी जमाने में छठ पूजा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इस बार मुखिया जी के मेहनत से और आम जन के सहयोग से एक पार्क नुमा, बोले तो सीढ़ी नुमा घाट का निर्माण किया गया, जहां पे इस बार श्रद्धा के साथ छठ मैया का पूजा अर्चना किया गया। इसी संदर्भ में वहां पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी आगमन हुआ और वहां के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिसमें कि बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चकमका बाजार में ये घाट सभी आदमी के लिए एक देन है, जो कि मुखिया जी के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। इंसान की पूजा के बगैर भगवान की पूजा कैसे संभव, गणेश की पूजा के बगैर भगवान की पूजा कैसे संभव। भगवान के बनाए हुए जो रचना है उसको आप नाश कीजिएगा, किसी भी जाति का सम्मान नहीं कीजिएगा, किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी वर्ग, किसी भी समूह, किसी भी संस्थाओं का सम्मान यदि आप नहीं करते हैं तो फिर ईश्वर के सम्मान का क्या अर्थ है। दुनिया में जितनी चीज बनी हुई है ईश्वर ने ही क्रिएट किया है ना, चाहे भगवान चाहे जिसको जिस रूप में माने। तो भगवान के बनाए हुए चीजों का सम्मान कौन करेगा, जिसको भगवान ने अपने लिए बनाया है तो भगवान अपने लिए किसको बनाए। आपको मानव जीवन में आप आ गए हैं तो इसका मतलब है भगवान आपको अपने नजदीक में, आप अगले जन्म में बहुत अच्छा सत्कर्म किए होंगे, अच्छा कर्म किए होंगे कि ईश्वर ने आपको बेटे के रूप में अपने सानिध्य में लाया। क्यों लाया, एक माँ एक पिता की क्या उम्मीद होती है अपने बच्चों से कि वो बुढ़ापे में उसकी सेवा करे, उनका नाम रोशन करे। तो फिर ईश्वर जो विराट है, जो सत्य रचनाकार है, वो आपसे क्या उम्मीद करे कि आप ईश्वर ने जो निर्मित किया है जिस भी रचना को उसको सजा के रखने की जिम्मेदारी आपकी है और आप उसको मिटाते हैं, आप इंसान इंसान से नफरत करते हैं, आप भगवान को मानते हैं लेकिन आप किसी से प्रेम करते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, आप मंदिर आते हैं छठ की पूजा करते हैं जिसमें साधन भी है, पवित्रता भी है, मन की शुद्धि भी है। ये जो दीपावली है ये क्या है, ये मन का प्रकाश है।